गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर चल रहा था फोर्थ। कौन सा चल रहा था? फोर्थ। आई वंडर वाई, मैं आश्चर्यचकित हूँ। इस चैप्टर के बारे में अपने पहले पढ़ लिया था। इसके आंसर एंड क्वेश्चंस थे वो बाकी थे, तो आज अपन इसी पर डिस्कस करेंगे। ओके जस्ट, तो आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए और पेज नंबर 22 खोलिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की वर्ड गैलरी मैंने आपको बता दी थी, और एक्टिविटी फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स ये भी आपको मैंने समझा दिया था। आज अपन लेंगे वो एक्टिविटीज़ बी से लेंगे, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसके आपको आंसर देने हैं, यानी उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए। नेम एनी टू थिंग्स दैट द पोएट वंडर्स अबाउट। नेम एनी टू थिंग्स दैट द पोएट वंडर्स अबाउट। इन दो चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। द पोएट वंडर्स अबाउट, जिसमें कवि ने इन दो चीज़ों के बारे में बताया है। अब चैप्टर में अपने बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा है, और इसमें क्या क्या पढ़ा है देखो। हाँ, वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, विंड इज नेवर सीन, बर्ड्स टू मेक ए नेस्ट, ऐसे ऐसे करते अपने छः कम से कम 10-15 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो इसमें से आपको दो लिखनी है। जैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए, द पॉइंट वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। कवि ने इस दो चीज़ों के बारे में ये बताया है कि ग्रास ग्रीन क्यों होती है, ग्रास यानी घास होती है वो ग्रीन कैसे होती है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवा हमको क्यों नहीं दिखती। तो ये दो चीज़ें वो आपको लिखना है। तो आपको आंसर में कैसे लिखना है? द पॉइंट वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड्स इज नेवर सीन, यानी घास ग्रीन कैसे होती है और अपन को हवा क्यों नहीं दिखाई देती। ठीक इसी प्रकार फर्स्ट का आंसर देना है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चंस। व्हाट डज द पोइट वंडर अबाउट द बर्ड्स। कवि पक्षियों के बारे में क्या सोचता है, यानी इस पोइम में कवि ने बर्ड्स के बारे में भी बताया है, तो कवि क्या सोचता है। तो आपको लिखना है, द पोइट वंडर्स हु थॉट द बर्ड्स टू मेक ए नेस्ट, यानी पक्षी घोंसला कैसे बनाता है। आपने पढ़ा है चैप्टर में, ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसलिए आपको ये आंसर देना है। यानी क्या लिखना है? द पॉइट वंडर्स हु थॉट द बर्ड्स टू मेक ए नेस्ट, यानी पक्षी घोंसला कैसे बनाते हैं और उसको किसने सिखाया, ये आपको लिखना है। ओके, टू क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट आता है अपने थर्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आप क्या समझते हैं? हु लाइट्स द स्टार्स देन दे ब्लो आउट। आप क्या समझते हैं, जब वे बाहर निकलते हैं तो तारों को रोशन कौन करते हैं? इसके बारे में आपको आंसर देना है कि वे बाहर निकलते हैं तो तारों को रोशन कौन करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, स्टार आज विजिबल ओनली एट नाइट, सितारे रात में ही दिखाई देते हैं।
सितारे यानी तारे, स्टार्स। दे आर नॉट सीन एट डे टाइम, उन्हें दिन के समय में नहीं दिखा देख सकते, यानी दिन के समय यहाँ नहीं दिखाई देता। इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ नेम, पर प्रकृति के नियमों के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? आपको क्वेश्चंस पूछा है कि तारों को रोशन कौन करता है, तो अपन को आंसर देना है कि सितारे रात में दिखाई नहीं देते हैं और इन्हें दिन के समय रात में दिखाई देते हैं और दिन के समय नहीं दिखाई देते, और यह सब प्रकृति के कारण ही होता है, यानी रूल्स हैं किसके, प्रकृति यानी एनवायरनमेंट। ओके, इसके कारण होता है। तो आपको इसका आंसर मैं एक बार बता देता हूँ, ऐसे लिखना है, स्टार आर विजिबल ओनली एट नाइट, दे आर नॉट सीन एट डे टाइम, इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ नेम। ओके, और चलिए अपन फोर्थ क्वेश्चंस के बारे में करते हैं डिस्कस। वॉट इज नॉट क्वाइट राउंड, क्या काफी गोल है? आपने इस, देखिए इस पॉइंट में आपने पढ़ा है कि क्या काफी गोल है, तो आपको इसमें से ढूंढ के आंसर देना है, यानी क्या काफी गोल है। तो आपको लिखना है द मून इज क्वाइट राउंड, यानी चंद्रमा काफी गोल है। इस पॉइंट में आपने ये पढ़ा था कि चंद्रमा गोल होता है, बट दिन दिन वह क्या करता है, बदलता जाता है, कभी आधा दिखता है कभी पूरा दिखता है। ओके, तो वह काफी गोल है, तो कौन है? चंद्रमा। तो उसका आंसर देना है द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। ओके, यस। फिर आते हैं अपने लेट्स लर्न ग्रामर, यहां से ग्रामर जोन स्टार्ट होती है। तो देखिए सी एक्टिविटीज देखिए अपनी, वेयर थ्री राइमिंग वर्ड्स फॉर इच ऑफ द गिविन वर्ड्स, आपको तीन राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे ग्रीन, मून, राउंड, बिलो, स्काई, ये वर्ड्स दिए हैं, उसके तीन तीन राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? ठीक इसी प्रकार का हो, युग्म शब्द, उससे मिलता जुलता हो, तो वह राइमिंग वर्ड कहलाता है। जैसे ग्रीन, तो मैं आपको बता देता हूं, ग्रीन, क्वीन, सीन, कीन, ये हो गया। देखिए इन चारों की सेम आवाज आ रही, जैसे देखिए एक बार और सुनिए, ग्रीन, सीन, क्वीन, कीन, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। और सेकंड देखिए, मून, मून, सून, नून, ट्यून, इन चारों की सेम आवाज आ रही है, यानी युग्म, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। थर्ड है राउंड, राउंड को लिखेंगे फाउंड, साउंड और ग्राउंड। ठीक इसी प्रकार फोर्थ देखिए, बिलाव, काउ, फ्लाउ, फ्यो। इसके बाद फिफ्थ देखिए, स्काई, हाई, बाई, ड्राई। ठीक इसी प्रकार आपको सी एक्टिविटीज करनी है। और नेक्स्ट देखिए डी एक्टिविटीज, वी सी मेनी थिंग इन द स्काई, आपको आकाश में दिखते हैं, रीड द क्लू इन द फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू नाउ द मीन्स ऑफ द थिंग्स, आपको इन चीजों के नाम लिखने हैं जो आकाश में दिखाई देते हैं, और आपको उसमें क्या लिखना है, मिसिंग लेटर्स आगे दिया हुआ है, और इसमें जो मिस लेटर्स हैं उसको लिखना है। हाँ, तो देखिए फर्स्ट देखिए, वी आर सीन एट नाइट बट यू कैन नॉट काउंट अस, रात को दिखाई देते हैं बट यू कैन नॉट काउंट, अपन उसको गिन नहीं सकते, तो क्या हो गया? स्टार्स यानी तारे, तारे रात में दिखाई देते हैं और अपन उसको गिन नहीं सकते, तो क्या हो गया? स्टार। तो आपको लिखना है STARS। ओके, यस। ठीक इसी प्रकार सेकंड देखिए, आई एम सीन एट नाइट, आई चेंज माई
सेफ एवरी नाइट, अपन को रात को ही दिखाई देता है, आई चेंज माई सेफ एवरी नाइट, और वह हर प्रत्येक रात को बदलता रहता है। तो क्या हो गया, MOON, मून, यानी एक दिन पूरा दिखता है, धीरे धीरे वह कम होता जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आपको सेकंड में लिखना है मून, MOON। थर्ड देखिए, आई राइस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। वह कौन सा जो आकाश में दिखाई देते हैं, देखिए ध्यान से सुनना, आकाश में दिखाई देता है, राइस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो क्या हुआ, सन, क्या हुआ, सन, SUN, सन, सन यानी सूर्य, क्या हुआ, सूर्य जो पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ओके, यस। ठीक इसी प्रकार फोर्थ देखिए, आई एम सीन आफ्टर द रेन, हम बारिश के मौसम में देखते हैं, आई मेड फोर सेवन कलर्स, और आकाश में दिखाई देता है और सेवन कलर्स, आई मेड जो सात कलर से बना हुआ है, तो वो क्या हुआ, रेनबो यानी इंद्रधनुष। तो इसको आपको लिखना है RAINBOW, यानी क्या हुआ, रेनबो। ओके, तो ये थी अपनी डी एक्टिविटीज। इसके बाद देखिए क्या आता है, क्वेश्चंस वर्ड्स, यानी अपन क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। क्वेश्चंस वर्ड्स जैसे हु, हेयर, वैन, वाई, हाउ, ये क्या है, क्वेश्चन। तो अपन कैसे बनाते हैं, जो ये एक्टिविटीज में देखिए आप, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सिचुएबल क्वेश्चन वर्ड्स। नाउ यानी आपको जो ये खाली जगह दिया है उसमें भरना है, यानी क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हु, वेयर, वेन, वाई, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसको आपको फिल करना है इसमें। तो देखिए फर्स्ट में आएगा हाउ, HOW, हाउ, क्या आएगा, हाउ, डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो हाउ यानी क्या हो गया, कैसे, तो ये कौन सा हो गया, क्वेश्चंस हो गया, यानी हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, क्या हो गया, क्वेश्चंस हो गया। ठीक इसी प्रकार सेकंड देखिए, वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो, तो वाई यानी क्या हो गया, क्यों। ठीक इसी प्रकार थर्ड देखिए, हु इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है, तो क्या हो गया, हु। फिर इसके बाद फोर्थ देखिए, वेयर, WHERE, वेयर, डू योर पेरेंट्स लाइव, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, तो वेयर यानी क्या हुआ, कहाँ। ठीक इसी प्रकार फिफ्थ देखिए, वैन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, तो क्या हो गया, वैन, WHEN। ओके, तो ये थी अपनी ई एक्टिविटीज, कौन सी थी, ई एक्टिविटीज। इसके बाद देखिए एफ एक्टिविटीज, राइट सिक्स सेंटेंस फॉलोइंग इन द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूजिंग हु, व्हाई एंड हाउ, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें राइट लिखना है, सेंटेंस लिखना है आपको, सिक्स सेंटेंस लिखने हैं और सेम होने चाहिए जो अपने इस चैप्टर में हैं ऑलरेडी, और क्या क्या लिखना, हु, वाई एंड हाउ, वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी एक आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है, सी वंडर्स हु, तो इसमें हु शब्द का प्रयोग हुआ, यस हुआ, लाइट द स्टार एट नाइट। ठीक इसी प्रकार सेकेंड लिखना है, हु वंडर्स वाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं आश्चर्य हूं कि ग्रास ग्रीन क्यों होती है। ठीक इसी प्रकार थर्ड देखिए, थर्ड में आपको लिखना है, ही वंडर्स हु थॉट द बर्ड्स टू मेक नेस्ट, मैं आश्चर्य हूं और या मैं सोचता हूं कि बर्ड को घोंसला बनाना किसने सिखाया। फोर्थ, ही वंडर हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, मैं आश्चर्य हूँ कि इंद्रधनुष को आप पेंट यानी पेंटिंग किसने की, जो आकाश में दिखाई देता है इंद्रधनुष इसकी। फिर इसके बाद फिफ्थ,
ही वंडर्स वाई द विंड इज नेवर स्विंग। फिर सिक्स आता है ही वंडर्स हु हैंग्स द फ्लूफी कूल्ड सो हाई, यानी बादलों को ऐसा इतना ऊंचा किसने लटकाया है। जो अपने इसमें लिखना है वो आपको ऑलरेडी इस पोइम में दिया हुआ है और इसके देखकर आपको लिखना है। और अगर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आपको वैसे मैं आंसर की सेंड करूंगा, इससे आप अपने सेल्फ चेक कर सकते हैं कि क्या राइट किया है और क्या रॉन्ग किया है। ओके, ठीक इसी प्रकार जी एक्टिविटीज देखिए। लेट्स मोर क्रॉस क्रॉस करना है जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। द एक्टिविटीज दैट आर हार्मफुल टू नेचर, प्रकृति हार्मफुल टू नेचर एंड एनवायरमेंट, प्रकृति और पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या क्या है। जो आपको ये पिक्चर्स दिख रही है इसमें हानिकारक क्या क्या है, किसके लिए, प्रकृति और पर्यावरण, हार्मफुल एंड एनवायरमेंट। तो आप फर्स्ट एक्टिविटीज देखिए, जो आपको फर्स्ट पिक्चर्स दिखे इसमें एक मेन से वो पेड़ को काट रहा है, तो ये क्या है, हानिकारक है, यानी पेड़ों को नहीं काटना है, तो इस पे आपको क्रॉस करना है। ठीक इसी प्रकार से इन सभी को देखकर आपको क्या करना है, क्रॉस। यानी सेकंड पिक्चर्स देखिए, इसमें गर्ल्स खेल रही हैं। थर्ड में देखिए, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में देखिए आग जला रहा है, एक लकड़ियां जला रहा है, फिफ्थ में एक पतंग उड़ा रहा है, और फिफ्थ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ दिख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है वो क्या है, क्रॉस करना है। फिर इसके बाद ये लकड़ियां जला रहा है आदमी, वो क्रॉस करना है। फिर इसके बाद ये लास्ट वाला है, ये भी क्रॉस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपने चैप्टर नंबर फोर्थ, आई वंडर वाई, जो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, टेस्ट। तो इसके लिए आप ऑलरेडी रेडी हो जाएं और अच्छे से टेस्ट दें, ताकि आपको समझ में आए कि हमने कितना पढ़ा और कितना समझा। और आपका होमवर्क क्या रहेगा वो आपको मिटशेयर पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। तो ओके, थैंक यू। और यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।